अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी थी ना, वो इस बात की थी कि ये मैंने क्रिएट की है। बहुत ही लजीज मैंने ये चाउमिन बनाया था, और अपनी रेसिपी है, खुद ही मैंने क्रिएट की है। तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने इतना लजीज चाउमिन बनाया अपनी रेसिपी से, मतलब किसी और की रेसिपी मैंने नहीं देखी है, ये मेरी अपनी रेसिपी, अपनी क्रिएशन है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, और आप लोग जब बनाएंगे ना इस रेसिपी से तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये इतना लजीज बना था कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा चाइनीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन उनको भी इतना पसंद आया, इतनी तारीफ़ किया उन्होंने, तो सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात यही थी मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया। तो यहाँ पे देखें जी, मैं वेजीज़ की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि चाउमिन बनाने में टाइम नहीं लगता है, उसकी जो ये तैयारी होती है ना, मतलब कटिंग वगैरह करने में टाइम लगता है। तो शिमला मिर्च काट ली मैंने, सब चीज़ें जूलियन कट करनी है आपको, और अब यहाँ पर मैं ये गाजर काट रही हूँ। बस एक मैंने बड़ी गाजर ले ली थी और उसको ही मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया है। मैं 1.5 पैकेट स्पेगेटी बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे देख ले, मैंने गाजर की भी कटिंग कर ली है, और अब मैं यहाँ पे अदरक कट कर रही हूँ, ये भी मैं जूलियन कट करूँगी। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये चाउमिन में लाजमी ऐड करते हैं, इससे जो फ्लेवर आता है ना, जो ज़बरदस्त सा आपको अदरक का लहसुन का जो फ्लेवर मिलेगा वो बहुत अमेजिंग होता है, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना। इसी तरह से जूलियन कट करके आपने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, तीनों चीज़ें इसी तरह से ऐड करनी है। और अदरक मैंने काट ली है, और यहाँ पे देखिए मैं लहसुन को भी इसी तरह से जूलियन कट कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा लजीज चाउमिन बना था, जब आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, और बहुत ही झटपट से बनता है। बस आप लोग अगर ये तैयारी करके रख लेना तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता चाउमिन बनने में। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं हरी मिर्चें दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से हरी मिर्चें रखती हूँ तो सेफ़ रहती हैं, टिश्यू पेपर में रखती हूँ मैं इनको, तो काफ़ी अरसे तक ना ये बिल्कुल सही रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। इनके जो डंठल होती है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ, और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, फिर इस तरह से मैं टिश्यू पेपर एक बाउल में रख के फिर मैं हरी मिर्चें रखती हूँ, तो बहुत ही अरसे तक ये सेव रहती हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना किस तरह से सेव रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए हरी मिर्चों को भी मैं इसी तरह से जूलियन कट कर लूँगी, जितना स्पाइसी आप लोग खाना चाहते हैं उतनी ले लें। मैंने यहाँ पे 5 ली हैं, क्योंकि इसमें रेड चिली भी जाएगी और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर्स और चिली सॉस वगैरह भी जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें तीनों मैंने कट कर लिया, जूलियन कट किया है मैंने इसको, इसी तरह से आप लोग कट कीजिएगा। और अगर आप लोग गेस्ट आ रहे हैं या किसी दावत में बनाना चाह रहे हैं तो कटिंग आप लोग एक दिन पहले करके रख लें, तो बनाने में तो हार्डली 10 से 12 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देख लें जी, मेरे पास ये बोनलेस चिकन है, और इस तरह से ना बोटियाँ थी मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ना मैं कट कर लूँगी बीच में से, और मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से इसकी ना स्ट्रिप्स काटनी है, क्योंकि जितनी बारीक आप लोग करेंगे ना उतनी ही ये मज़े की लगेगी, क्योंकि मैरिनेट करना है हमने। और चाउमिन में इस तरह से बिल्कुल ही थिनली अगर आप लोग इसको कर लेंगे ना स्ट्रिप्स में, तो ये बहुत ज़बरदस्ती लगती है। तो देख लें, इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ, इसकी स्ट्रिप्स बना रही हूँ मैं, और सारी चीज़ें हमने जूलियन कट करके लेनी है। तो चिकन को भी हम जूलियन कट कर रहे हैं, इस तरह से स्ट्रिप्स कर रहे हैं उसकी, और उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी, पहले मैं कटिंग कर लूँ। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कटिंग में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि सारी चीज़ें, वेजीज, चिकन, इसके बाद फिर एक और इसका सॉस बनेगा, तो बस ये काम आप लोग करके रख लें तो बना लें फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बनने में। अभी देखिएगा आप लोग कितने फटाफट से ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देख लें जी, कि चिकन को भी मैं कट कर रही हूँ, इस तरह की बोटियाँ हैं ना, तो उनको पहले मैं बीच में से उनको कट कर रही हूँ 2-3 स्लाइस, और उसके बाद जितनी मोटी बोटी है उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ 2-3 स्लाइस करके, और उसके बाद मैं इसको जूलियन कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख लें, चिकन को मैंने कट कर लिया, और अब मैंने इसको एक बाउल में रखा है, मैरिनेट करूँगी। तो यहाँ पे 4.5 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। अगर आप लोग टेबल स्पून से मेजर कर रहे हैं तो 3 टेबल स्पून इनफ है, लेकिन मेरे पास ये जो हम लोग आम रूटीन में जिससे चावल वगैरह खाते हैं वो वाला स्पून है, तो ये अगर आप लोग डालें तो 5 टेबल स्पून भर के डाल दें, और 1
टीस्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, फ्रेशली कूट के डालेंगे तो ज़्यादा मज़े की खुशबू आएगी। और अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसको। 5 टेबल स्पून सोया सॉस डालना है आपने। और अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। टेबल स्पून से मेजर करेंगे तो 1 टेबल स्पून भर के लेना है आपने, और ये 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पर देख लें, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, और अब मैं इसको रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पे देख लेंगे मैंने 1 टेबल स्पून और डाला है, तो टोटल 5 टेबल स्पून हो गए। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे दोबारा से कटिंग बोर्ड को वॉश किया है, क्योंकि मैंने चिकन इस पर कट की थी तो इसलिए वॉश करना ज़रूरी होता है अगर इस तरह से कोई मीट वगैरह आप लोग कट कर लें तो वॉश करके। और अब मैं प्याज कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक ये मीडियम साइज़ की प्याज थी वो मैंने ली है। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा ही कट कर रही हूँ उसको, बहुत बारीक स्लाइस नहीं करना है। और यहाँ पे ये मैंने स्प्रिंग अनियन ली है, और चाउमीन स्प्रिंग अनियन के बगैर तो बनता ही नहीं है, मतलब वो टेस्ट ही आप लोगों को नहीं मिलेगा अगर स्प्रिंग अनियन नहीं डालेंगे। तो स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट है वो मैं प्याज के साथ ही डालूंगी, तो इसीलिए मैं प्याज के साथ ही कट कर रही हूँ, और ग्रीन पार्ट एंड में डालना है बिल्कुल। तो जितनी आप लोगों को पसंद हो उतनी ले लें। मैंने ये 2 ले ली हैं, अच्छे इसके पत्ते भी बड़े फ्रेश फ्रेश से थे तो ये मैंने ले लिए। और अब मैं जो पत्ते हैं इसके वो मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा ना मोटा मोटा कट कर रहे हैं आप लोग। शुरू में मैं बारीक काट रही थी, फिर मुझे एकदम से याद आया कि चाउमीन में तो थोड़ा इस तरह से मोटा मोटा सा कट होना तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से सारे ये मैंने ग्रीन पार्ट भी इसका कट कर लिया है। तो बस कटिंग हो जाएगी ना तो फिर तो लाइफ ईजी हो जाएगी फटाफट से। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना हम लोग बना रहे हैं चाउमीन के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा सॉस। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो ये मैंने 3/4 कप पानी लिया है, और इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। और अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून भर के मैं इसमें चिकन पाउडर डालूंगी। तो ये मेरे पास दाशी का चिकन पाउडर है, और अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर ना हो ना तो आप लोग चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, 2 चिकन क्यूब आप लोग इसमें डाल दें। और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये सॉस बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग, और मेरी क्रिएशन है, बहुत लवली सॉस बना था। चाउमीन तो मतलब ज़बरदस्ती बना था ना। अच्छा, यहाँ पे देख लें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। तो 1, 2 और 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी विनेगर, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 3 टेबल स्पून विनेगर डाल दिया मैंने, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चिली सॉस, कोई भी हॉट सॉस आप लोग ले सकते हैं। तो मेरे पास ये चिली सॉस है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। आई थिंक 4 टेबल स्पून मैंने डाला था जी, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया है। और इसके बाद अच्छे से बस इसको मिक्स करते जाएं आप लोग, इसमें सॉसेस सारे इसी में चले जाएंगे सॉस। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टोमेटो केचप, तो ये मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून मैं इसमें टोमेटो केचप डालूँगी भर के, देख लें 3 टेबल स्पून डाल दिया मैंने। अच्छे से मिक्स करना है बस आपने, सॉसेस ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस, तो ये देख लें मैंने यहाँ पे ये 5 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस ऐड किया है। नमक मैंने अभी इसमें नहीं डाला है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है और सारे जो सॉसेज हैं उसमें भी नमक होता है। अच्छा, यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, और 1/2 टीस्पून अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये वाइट पेपर है मेरे पास, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, ये मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर पाउडर, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देती है ये भी, तो ये लाजमी ऐड करनी है आपने। और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये भी मैंने डाल दी। और इसके अलावा अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। तो 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने तो अपने हिसाब से डाल दी थी पर 1.5 टेबल स्पून इनफ है। तो देख लें, अच्छे से मिक्स कर लें आप लोग इसको, ज़बरदस्त सा हमारा सॉस रेडी हो रहा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये डिपिट का मेरे पास वर्चेस्टरशायर सॉस था, तो ये इसमें मैं 3 टेबल स्पून मैंने इसमें वर्चेस्टरशायर सॉस डाला है, ये लाजमी ऐड करना है आपने, और किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। मेरे पास ये डिपिट का था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ।
और इसके बगैर ना मज़ा नहीं आएगा, तो लाजमी डालिएगा। तो यहाँ पे देख लें जी, बहुत ही अमेजिंग सा चाउमीन सॉस हमारा रेडी हो गया है। ये अब हम लोग ऐड करेंगे, सारे सॉसेस हमने इसी में डाल दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉस बनके तैयार हो गया हमारे पास। तो बस अब हम लोग जो है चाउमीन बनाना शुरू करते हैं, फटाफट से बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक वॉक रख दी है चूल्हे पर और इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। हाई हीट पर आपने चिकन को फ्राई करना है और अभी ना आपने इसको पलटना नहीं है, मतलब फौरन ही चम्मच इसमें नहीं चलाना है, बस इसको थोड़ा सा खोल दें, ऐसे चम्मच से अलग अलग कर दें। 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। इस तरह से बस आप इसको छोड़ दें जब तक नीचे से इसका ब्राउन कलर ना हो जाए ना, जैसे फ्राई हुआ हुआ जो कलर होता है, जब तक इस तरह का ना हो जाए ना तब तक आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। तो यहाँ पे देख लें, जब इस तरह से ब्राउन कलर आ जाए, ब्राउन स्पॉट्स आ जाएँ, फिर आप लोग इसको मिक्स कर लें और दोनों साइड से इसको अच्छे से ब्राउन होने दें। और इस तरह से देख लें आप, बिल्कुल ये चिकन रेडी हो गई है। और जो हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना, तो उससे ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनके तैयार होती है, ड्राई नहीं होगी बिल्कुल भी, जूसी और मॉइस्ट चिकन बनेगी। तो देख लें यहाँ पे, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है ज़बरदस्ती और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। ये देख लें, चिकन फ्राई करके निकाल ली है और अब इसमें मैंने और ऑयल ऐड कर दिया है जितना मुझे चाहिए चाउमीन बनाने के लिए, आप लोग अपने हिसाब से देख लें। और इसमें अब मैं डाल दूँगी ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च। सबसे पहले ये ऐड करना है आपने, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है अदरक की, जब आप लोग बनाएंगे ना और जब खाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों इतना आप लोगों को कह रही हूँ कि लाजमी बनाइएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बना था। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी बस खुशबू आनी शुरू हो जाए, ब्राउन नहीं करना है, तलना नहीं है हमने इसको, बस अच्छा सा इसका अरोमा आने लगेगा ना उतना आपने इसको फ्राई करना है। और उसके प्याज डाल रही हूँ अब मैं इसमें, और प्याज को भी हम एक दो मिनट इसमें फ्राई करेंगे। सॉफ्ट हमने नहीं करना है क्योंकि वेजीज जितनी भी हैं वो क्रंची अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट साइड पे हमने उसको नहीं लेके जाना है किसी भी वेजिटेबल को। प्याज डाल दी, एक मिनट हमने इसको मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें गाजर डाल दूँगी क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में, इसीलिए मैं इसको प्याज के साथ ही शामिल कर रही हूँ। एक दो मिनट अब हम इसको सॉटे करेंगे हाई हीट पर कि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमने इसको, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे देख लें, गाजर को मैंने एक दो मिनट पका लिया है और अब मैं इसमें बंद गोभी डाल दूंगी। ये भी मैंने हाफ से भी कम ली है बंद गोभी क्योंकि वेजीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं इसमें, बस नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा नहीं करें वेजीज को ना, ओवर हो जाएगी ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो हाफ से भी कम मैंने बंद गोभी ली है, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है देख लें, और बंद गोभी तो बहुत ही फटाफट से गल जाती है। और अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च डाल दूंगा, शिमला मिर्च का तो क्रंच हमने बिल्कुल बरकरार रखना है, उसको तो हमने सॉफ्ट होने ही नहीं देना है ना, वो इतनी जल्दी गलती है शिमला मिर्च, इसीलिए एंड में डालिए। और अब इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें, मिक्स मिक्स मिक्स, ये देख लें इस तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि अब मैं दो स्पून यूज़ कर रही हूँ, स्पैचुलाज यूज़ कर रही हूँ सॉरी, क्योंकि अब जो है बड़ी मेहनत वाला काम होने वाला है शुरू। तो इस तरह से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और एक मिनट या डेढ़ मिनट आपने शिमला मिर्च को पकाना है, जब उसका इस तरह से ये ग्रीन कलर हो जाए ना बिल्कुल ब्राइट वाला, उतनी देर आपने शिमला मिर्च को पकाना है, सॉफ्ट नहीं होने देना। और अब मैं इसमें चाउमीन सॉरी चाउमीन कह रही हूँ, अब मैं इसमें स्पेगेटी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं सारी एक साथ नहीं डालूंगी, पहले इतनी डाल दी है मैंने, इनको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि मिक्सिंग ईजी रहे, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना तो मिक्स करना मुश्किल होगा। अभी मैंने सॉस भी ऐड नहीं किया है, पहले मैं हल्का सा इसको मिक्स दूंगी, एक देख लेंगे, थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है। अगर आप लोग एक पैकेट बना रहे हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बर्तन इससे भी खुला बर्तन हो ना, कोई बड़ी कढ़ाई हो और वो लें आप लोग, तो ज़रा मिक्सिंग ईजी हो जाएगी। और यहाँ पर देख लें, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसमें सॉस ऐड कर दूंगी, और दो स्पैचुलाज आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे, एक से काम नहीं बनेगा। और अभी मैंने इसमें स्पेगेटीज ऐड करने हैं जो बचे हैं, सारे ऐड करूंगी। और ये देख लें जी, अब जा रहा है इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉस, चाउमीन सॉस,
जो हमने बनाया है, बहुत ही लजीज, क्या खुशबू आ रही थी इसकी, ओ माय गॉड, मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है। और ये जब मैंने वीडियो शूट किया ना, उसके बाद दोबारा मैं एक दफ़ा बना चुकी हूँ, मतलब इतना पसंद आया है मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी कि मैं इसको दोबारा भी बना चुकी हूँ, और अब मेरा फिर से दिल चाह रहा है, तो हो सकता है कि मैं आज ही इसको बना लूँ। बहुत मज़े का बना था ये, देख लें। अब सॉस डालने के बाद ना मिक्सिंग थोड़ी सी ईजी हो गई है, और मैंने इसमें और स्पेगेटी ऐड की है, ये देख लें। इस तरह से ना आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है हाई हीट पे, क्योंकि सारा काम अब सिर्फ मिक्सिंग का है। सब चीज़ें पक चुकी हैं, वेजीज भी हमारी अच्छे से सॉटे हो गई हैं, और यहाँ पे देख लें जो थोड़े से स्पेगेटीज बच गए थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए, और जो थोड़ा सा सॉस बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो मैंने 1.5 पैकेट के हिसाब से ही बनाया था सॉस, तो मैंने सारा डाल दिया है। और बिल्कुल यही आप लोगों ने सारी क्वान्टिटी रखनी है हर चीज़ की, तो परफेक्ट सॉस बनेगा। और यहाँ पर देख लें, मैंने चिकन भी इसमें ऐड कर दी है, ये देख लें। अब मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी, मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से मिक्स करना है आपने इसको, ताकि हर चीज़ ना एक बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाए, फ्लेवर एक सारे जो है ना वो एक साथ हो जाएं, अलग अलग जो हमने चीज़ें डाली हैं इसमें वो सब एक साथ हो जाएं, और बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मिक्स करना है आपने, और लुक आप लोग देख लें कितना मज़ेदार लग रहा है। और चाउमीन खाने का जो मज़ा होता है ना, वो यही है कि आप लोगों ने इसको बनाया गरम गरम ही, आप लोग इसको सर्व करें, वेट नहीं करना। और अब यहाँ पे जब अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई, सारे फ्लेवर एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट हो गए, तो उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्रीन पार्ट, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट डाल के भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स दे दिया है, एक ज़बरदस्त सा, ये देख लें। बहुत ही लवली चाउमीन बना था, मैं बता नहीं सकती, आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा लाजमी, और मुझे अपना फीडबैक भी आप लोग लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे देख लें जी, गर्मा गर्म चाउमीन मैं सर्व कर रही हूँ, और इसको खाने का ना यही मज़ा होता है कि जैसे ही बन के तैयार हो फटाफट से आप लोग इसको सर्व कर लें, वेट नहीं करना कि इसको रख दें या कुछ इस तरह से, नहीं, गरम गरम इंजॉय करेंगे ना तो इसका जो जायका है ना वो और ज़्यादा आप लोगों को आएगा। बहुत मज़े का चाउमीन बना था, लुक देख लें आप लोग। और ये लाइट की वजह से इसका कलर थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, मतलब चेंज लग रहा होगा आपको, लेकिन ये लाइट का इफेक्ट है। और इतना टेस्टी था, स्पाइसी भी था ना, मतलब ऐसा नहीं था कि फीका फीका, स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसीलिए मैंने ज़्यादा रखा था। और देख लें जी, मेरे मुंह में ना फिर से पानी आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको जल्दी से खा लूँ। तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग मेरी रेसिपी से चिकन चाउमीन, और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और यहाँ पे देख लें जी, मैं इंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म सा चाउमीन, जो कि बहुत बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।